टीचर को बोले 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? आपका भी बोला था 2 करोड़ देंगे। हम कहे तो हम दे रहे हैं, नौकरी नहीं। हम बोले थे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। आज हर घर रोजगार है, कोई नहीं। पूरा भारत को रोजगार मिल गया, वाह, पूरे भारत के लोगों को रोजगार मिल गया, बिल्कुल मिल गया। खीर वही मन फिर देसी लाही पलटता है। नीतीश जी सीएम का सीएम रहता है, नीतीश जी वो उनकी सरकार है ना, उनकी मर्जी है, इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, नहीं पलटे उसका सीएम का सीएम। भाजपा में सबसे ज्यादा होता है, आप देखिए भाजपा में महिलाओं की, आज रक्षा मंत्री से लेके विदेश मंत्री से लेके सभी में महिलाओं का सम्मान होता है, तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बृजभूषण सिंह के ऊपर केस चल रहा है, चार्जशीट दाखिल हो गया है। चार्जशीट दाखिल हो गया है, बृजभूषण सिंह को छोड़ा था पटना के गांधी मैदान में। और यहां पर आप देख सकते हैं मंच पर बीजेपी के तमाम प्रदेश के नेता यहां पर मौजूद है, तमाम विधायक मौजूद है, संजय चौरसिया दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मौजूद है, नितिन नवीन जो की बाकीपुर पटना से विधायक है। और इधर आप देख सकते हैं बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता और नेता है यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए, कुर्सियां खाली है, भीड़ है। और यहाँ पर महिला है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये लोग किस लिए आई है आज? हम नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने आए हैं, क्योंकि उनका जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पार है। हाँ, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, नहीं चलेगा अत्याचार, अब हट जाइए। 17 साल आप ही लोग साथ में थे, वो अनुकंपा का नौकरी पर अभी भी है, तभी भी थे। वो अनुकंपा का नौकरी हमेशा ढूंढते हैं, क्योंकि बेसहारा है, उनको सहारा चाहिए। सहारा आप ही लोग ने दिए थे 17 साल, तो इसी के लिए हटाने आए हैं। बैठाए तो अब हटाएंगे भी, अब हटा देंगे, बीजेपी को हम हटा देंगे। ऐसा नहीं, कोई हिलाने वाला नहीं है, हम हिलाने वाले हैं, उनको हिला देंगे। और उनसे पूछना चाहते हैं, कहाँ है आपका वादा टीचर के प्रति, और कहाँ गया आपका इरादा? कौन वादा? टीचर को बोले 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी? आपका भी बोला था 2 करोड़ देंगे। हम कहे तो हम दे रहे हैं, नौकरी नहीं। हम बोले थे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा। आज हर घर रोजगार है, कोई नहीं बेरोजगार है, घर रोजगार है, पूरा भारत को रोजगार मिल गया, वाह, पूरे भारत के लोगों को रोजगार मिल गया, बिल्कुल मिल गया है। हमारे यहाँ जो आज ये मोर्चा निकल रहा है, ये हमारी जो गूंगी बहरी सरकार है उसकी वजह से ये मोर्चा निकल रहा है, जिस शिक्षा की बदौलत नीतीश कुमार जी आज इस सीएम के पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आज वो शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया है उसका ये परिणाम है। उनको मान और सम्मान के साथ वापस लाए, जो उनकी मांग है वो पूरी करे। शिक्षिकाओं को पीट पीट कर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और प्रशासन की बदौलत किया गया, जो कि उनके जानकारी में थी, ये शांति से भी निपट सकती थी। 17 साल आप लोग भी सरकार में थे, आपके भी पुलिस लाठी मारी है। 17 साल हम लोगों ने उनको बिठाया, मान दिया, सम्मान दिया। आज जब बैठाना जानते हैं तो उतारना भी जानते हैं। आज हम लोग इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। जब हमारे घर का मुखिया ही अच्छा नहीं होगा तो उस घर का क्या होगा? क्या कहिएगा नीतीश जी को? क्या कहेंगे? देख रहे हैं उनके राज्य में महिलाएं कितना असुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, शिक्षा कमजोर है, बहुत ऐसी समस्याएं आ रही है गठबंधन की सरकार में। उन्होंने बोला था कि पहले मतलब की नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी है? जब नौकरी के लिए युवा आते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, भगा दिया जाता है। 17 साल आप लोग साथ में थे ना? उनका तो वो तो पलटू चाचा है, 2 साल इधर तो 2.5 साल इधर, जहाँ देखिए खीर वही मन फिर देसी लाही पलटता है। नीतीश जी सीएम का सीएम रहता है, नीतीश वो उनकी सरकार है ना, उनकी मर्जी है, इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, पलटे उसका सीएम का सीएम है। तो उसी के सीएम को हटाने के लिए तो हम लोग ये कर रहे हैं। आप अपनी बात महिलाओं की पूरी संख्या मिलकर पूरी एकता के साथ उनको सरकार को गिराना है, गिरा दीजिएगा, बिल्कुल गिराइए उनकी सरकार को। नहीं पूरा कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि उनका एक भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बालू में छाए लालू हैं और शराब में छाए नीतीश हैं। उनकी ये महागठबंधन बहुत बेकार सरकार है जो युवा को बेरोजगार कर रखे हैं। कहता है कि नीतीश जी महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को बिल्कुल नहीं सम्मान दिया है, महिलाओं को
शिक्षा महिलाओं को, शिक्षा महिलाओं को रोड पर खिसीट खिसीट कर मार रहे हैं, क्या सम्मान है? उनको शर्म करना चाहिए। झूठ मूठ के खाली वादा करते हैं, नीतीश जी झूठा वादा करते हैं क्या? नीतीश जी झूठा वादा करते हैं, नीतीश जी तो झूठे हैं ही, नीतीश जी तो झूठे हैं ही, और साथ में जी लालटेन सरकार है ये भी मां झूठी है। 10 लाख नौकरी का वादा करके 10वीं नौकरी अभी तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, उल्टा नौकरी मांगने जाते हैं तो महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा जाता है। आपका भी सरकार में मारा जाता था, जब मेरी सरकार, जब भाजपा की सरकार के साथ जेडीयू का गठबंधन बना था, आज के 15 साल पहले बिहार का कायाकल्प हुआ था। अगर आप बिहार वासी हैं तो परिवर्तन आप भी महसूस किए होंगे, और अभी देखिए क्या हाल है, शराबबंदी के नाम पे गली गली में बड़ी आसानी से शराब मिलता है। कहता है महिलाओं के सम्मान में हम कुछ भी करेंगे, महिलाओं का सम्मान भाजपा में सबसे ज्यादा होता है। आप देखिए भाजपा में महिलाओं की, आज रक्षा मंत्री से लेके विदेश मंत्री से लेके सभी महिलाओं का सम्मान होता है, तो बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? बृजभूषण सिंह के ऊपर केस चल रहा है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, चार्जशीट दाखिल हो गया है, बृजभूषण को छोड़ा नहीं जाएगा, पहलवानों का पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, बृजभूषण की जल्द गिरफ्तारी होगी। तो इनके साथ तो कहना है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा अगर सम्मान करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और बृजभूषण शरण सिंह को साफ तौर पर कहा कि उन पर आरोप लगा है तो वो भी बक्सर नहीं जाएंगे, और शिक्षकों के सम्मान मिलो कहना है, नीतीश कुमार शिक्षकों को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, हमारी पार्टी जो है लगातार सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। साथियों, अगर फॉलो शेयर जरूर कीजिए।